भोपाल में राहुल का रोड शो, सड़क पर लोगों का फैला, स्वागत में होर्डिंग से पटी झीलों की नगरी, कांग्रेस अध्यक्ष ने ली चाय की चुस्की, भजिए खाने उतरे स्टॉल पर। भोपाल की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अगवानी के लिए। चारों तरफ बस लोगों की भीड़। जी हाँ, 15 साल का वनवास खत्म करने में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। राहुल गांधी के रोड शो के जरिए न केवल कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि चुनावी शंखनाद भी कर दिया। 18 किलोमीटर के इस रोड शो में राहुल का जगह जगह स्वागत किया गया। लाल घाटी से शुरू हुआ रोड शो मुख्य मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंचा, जहां कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ता पदाधिकारियों से सीधा संवाद किया। राहुल के साथ बस में कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता साथ चल रहे थे। रोड शो के दौरान राहुल गांधी अलग अंदाज में नजर आए। जब काफिला हमीदी अस्पताल के पास पहुंचा, तो राहुल अचानक एक टी स्टॉल पर जा पहुंचे। उन्होंने यहां न केवल चाय का लुत्फ उठाया बल्कि भजी और पकौड़े भी खाए। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। इसके बाद काफिला आगे बढ़ा, जगह जगह राहुल का स्वागत किया गया। अग्रसेन चौक पर राहुल गांधी विश्वकर्मा मंदिर गए और पूजा भी की। कांग्रेस को 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और नेताओं में एकजुटता के दम पर 15 साल बाद सत्ता में आने पर पूरा भरोसा है। पर राहुल के दौरे के दौरान भी गुटबाजी नहीं थमी। अंतरकलह एक बार फिर सत्ता पर दिखी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक अलग रंग में नजर आए। वे सिंधिया को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की मांग कर रहे थे। वहीं शहर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ, सिंधिया सहित 9 बड़े नेताओं के कटआउट लगाए गए। इनमें दिग्विजय सिंह का कटआउट नहीं होने से वे खासे नाराज हुए। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने खुद पोस्टर लगाने से मना किया था। इससे पहले राहुल गांधी 2 जून को मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर आए थे, तभी उन्हें सरकार बनने पर 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी, जिसके बाद बीजेपी ने किसानों का ब्याज माफ करने की घोषणा कर दी। इधर उज्जैन जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचे सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के युवराज भोपाल आए हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, पर उन्हें ये ही नहीं पता है कि प्याज जमीन के ऊपर उगती है या नीचे। कुल मिलाकर सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के लिए दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आरोप प्रत्यारोप के साथ ही दावों और वादों का दौर भी जारी है। बीजेपी शिवराज के चेहरे के दम पर मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस को इस बार जीत का पूरा भरोसा है। ऐसे में राहुल के रोड शो के दौरान उमड़ी भीड़ ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। मतदाताओं के दिल में क्या है ये तो अब तक पता नहीं, पर सड़क पर सियासी संग्राम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।